हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला टॉपिक, सॉयल इरोजन के बारे में, मृदा अपरदन के बारे में, मिट्टी के उड़ने के बारे में। तो ध्यान से आप देखें, द रिमूवल ऑफ टॉप सॉयल बाय विंड वाटर आर अदर एलिमेंट इज कॉल्ड इरोजन। ठीक है, जो टॉप सॉयल होते हैं, जो ऊपरी परत होता है मिट्टी का, वह हवा, पानी या फिर किसी अन्य माध्यम से रिमूव हो जाना, उड़ जाना, सॉयल इरोजन कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉयल बाई विंड वाटर एंड अदर एलिमेंट इज कॉल्ड सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सॉयल फर्टिलिटी। सॉयल इरोजन होने से, मृदा का उड़ जाने से, मृदा अपरदन होने से, मृदा की जो फर्टिलिटी होती है, जो उपजाऊपन की क्षमता होती है, वो घट जाती है। विच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जिससे पौधे का ग्रोथ जो है प्रभावित होता है। तो द रिमूवल ऑफ टॉप सॉयल बाय विंड वाटर आर अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड सॉयल इरोजन। ठीक है, विंड वाटर या फिर दूसरे कारण से अपर पार्ट जो है सॉयल का, वो उड़ जाना, हट जाना, सॉयल इरोजन कहलाता है। सॉयल इरोजन के कारण जो है सॉयल की फर्टिलिटी कम हो जाती है और इससे प्लांट का ग्रोथ प्रभावित होता है। द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉयल इरोजन आर, इसके अलावा जो भी जो फैक्टर्स हैं सॉयल इरोजन के, उसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहला फैक्टर है सॉयल इरोजन का, वह है विंड। इन सम रीजन लाइक डिजर्ट, स्ट्रांग विंड ब्लो अवे द सॉयल पार्टिकल्स। ठीक है, कुछ जगहों पे जैसे कि डिजर्ट में, रेगिस्तान में, आंधियां चलती हैं, स्ट्रांग विंड्स चलते हैं, जो सॉयल पार्टिकल्स को उड़ा देते हैं। जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, रेगिस्तान में आंधियां चलती हैं, जिस सॉयल पार्टिकल को उड़ा देती हैं। ड्यू टू दिस फ्यूअर प्लांट ग्रो इन दिस रीजन, यही कारण है कि इस रीजन में छोटे छोटे पौधे ही उगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा, विंड जो है वह सम रीजन में, जैसे कि डिजर्ट में, बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, जो सॉयल पार्टिकल को उड़ा ले जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पे छोटे पौधे पाए जाते हैं। उसके बाद है, सेकेंड है आपका वाटर, रेन एंड रनिंग वाटर। ठीक है, बारिश का जो वाटर है और जो बहता हुआ पानी है, रनिंग वाटर, रेन एंड रनिंग वाटर कैन टेक अवे द टॉप सॉयल विथ हीट। ठीक है, बारिश का जो पानी है और रनिंग वाटर जो है, यह अपने साथ टॉप सॉयल को लेकर चले जाते हैं। रेन एंड रनिंग वाटर कैन टेक अवे द टॉप सॉयल विथ हीट। ड्यू टू दिस न्यूट्रिएंट्स इन सॉयल आर लॉस्ट एंड इट्स अफेक्ट द प्लांटेशन, जिसके कारण सॉयल का न्यूट्रिशन जो है, पोषक तत्व जो हैं, वो कम हो जाते हैं और इससे प्लांटेशन प्रभावित हो जाता है, पौधों का ग्रोथ प्रभावित हो जाता है। तो रेन एंड रनिंग वाटर कैन टेक अवे द टॉप सॉयल विथ हीट। रेन और रनिंग वाटर जो है अपने साथ जो है टॉप सॉयल को लेकर चले जाते हैं। ड्यू टू दिस न्यूट्रिएंट इन सॉयल आर लॉस्ट एंड इट अफेक्ट द प्लांटेशन, जिसके कारण सॉयल में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और इससे प्लांटेशन प्रभावित होता है। ऑन हिली एरिया, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, ऑन हिली एरिया सॉयल इरोजन बाय वाटर इज मोर। हिली एरिया में सॉयल इरोजन जो है वो वाटर के द्वारा अधिक होता है। पहाड़ों पर जो है पानी के द्वारा जो है मिट्टी का बहना अधिक होता है। वाटर फ्लो एट ए हाई स्पीड डाउन द हिल्स, क्योंकि पहाड़ों पर वाटर जो है बहुत तेजी से बहता है। विच लूजेंस द पार्टिकल ऑफ सॉयल, जो मिट्टी के पार्टिकल्स को ढीला कर देते हैं, जिसके कारण वह उनके साथ बह जाते हैं। तो ऑन हिली एरिया सॉयल इरोजन बाई वाटर इज मोर, वाटर फ्लो एट ए हाई स्पीड डाउन द हिल्स विच लूजन द पार्टिकल ऑफ सॉयल। ठीक है, इसके अलावा अदर फैक्टर भी हैं जो सॉयल इरोजन करते हैं, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग, अधिक चराई। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल ऑल्सो रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द सॉयल। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग भी, ठीक है, पशुओं के द्वारा अत्यधिक चराई भी सॉयल के इरोजन का एक कारण है। ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल ऑल्सो रिजल्ट इन द रिमूव ऑफ प्लांट फ्रॉम द सॉयल। डिफॉरेस्टेशन दूसरा जो कारण है वह है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टर इज द एक्सेस कटिंग डाउन द ट्री विच रिजल्ट इन सॉयल इरोजन। अत्यधिक मात्रा में जंगलों की कटाई भी एक सॉयल इरोजन का कारण होता है, मिट्टी अपरदन का कारण होता है।
पुअर फार्मिंग मेथड कास्ट सॉयल इरोजन, ठीक है, पुअर फार्मिंग मेथड्स, सही तरीके से कृषि न करना, खेती न करना, यह भी एक कारण होता है सॉयल इरोजन का। ठीक है, अब यह प्रश्न है कि सॉयल इरोजन से कैसे बचा जाए, ठीक है, मिट्टी को कैसे बचाया जाए ताकि यह बहने न पाए। तो इस सॉयल कंजर्वेशन इसको कहेंगे, मृदा सुरक्षा कहेंगे, सॉयल को कैसे सुरक्षित करेंगे इसके बारे में। As soil is important to sustain life on earth, we should have to take step to conserve soil. ठीक है, soil जो है पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इसे कंजर्व करने के लिए, इसे बचाने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जैसे plants more and more tree, अधिक से अधिक पौधे और पेड़ों को लगाना होगा। क्यों? So that plant root bind the soil and do not allow it to erode by any factor. क्योंकि plants की जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी को बांधने का काम करती हैं और किसी भी कारण से उन्हें बढ़ने नहीं देती हैं, उन्हें उड़ने नहीं देती हैं। ठीक है, plant more and more trees so that plant root bind the soil and do not allow it to erode by any फैक्टर, किसी भी कारण से इनको उड़ने से रोकती हैं। यह पहला प्रोसेस है, अधिक से अधिक प्लांटेशन किया जाए तभी सॉयल का कंजर्वेशन होगा। दूसरा तरीका है, यहाँ देखें आप, टू प्रिवेंट सॉयल इरोजन ऑन हिली एरिया, हिली एरिया में पर्वतीय क्षेत्रों में सॉयल इरोजन से को बचाने के लिए क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग इन डन, इस तरह से सीढ़ीदार खेती करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं। In this area, farmer cut the slope into steps that reduce the speed of flowing water. ठीक है, इस एरिया में farmers जो हैं वे, ठीक है, स्लोप बनाते हैं, कट्स करते हैं, काटते हैं और एक सीढ़ीदार खेती करते हैं जिसके कारण ऊपर से बहने वाले वाटर की रफ्तार कम हो जाती है, स्पीड ऑफ वाटर कम हो जाता है और सॉयल इरोजन से बच जाता है। To prevent soil erosion on hilly area, terrace farming is done. In this area, farmer cut the slope into step. इस एरिया में फार्मर जो है स्लोप बनाते हैं, सीढ़ीदार बनाते हैं, that reduce the speed of flowing water, जो flowing water के स्पीड को कम कर देते हैं। Next है आपका, cattle grazing on small piece of land should be avoided. छोटे से एरिया में, ठीक है, पशुओं की चराई को रोकना चाहिए, बचना चाहिए। डू नॉट अलाउ कैटल टू ग्रेज एट ए सेम प्लेस अगेन एंड अगेन, ठीक है, बार बार जो है एक ही जगह पे पशुओं को नहीं चराना चाहिए। ठीक है, एक छोटे से एरिया में पशु चराई से बचना चाहिए और, ठीक है, बार बार एक ही जगह पे पशुओं को नहीं चराना चाहिए। ये इससे भी आप सॉयल कंजर्वेशन कर सकते हैं। सेकेंड है आपका, बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स along the river banks and bunds prevent soil erosion. ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं फिगर में, ठीक है, रिवर बैंक जो नदियां हैं उनके किनारे जो है इस तरह से आप जो है एम्बैंकमेंट्स करें, वॉल फॉर कीपिंग बैक वाटर, दीवाल बनाएं, बाउंड्री बनाएं जिससे वाटर को, बैक वाटर को रोका जा सके, और इस तरह से बनाने से मिट्टी भी बहने से रुक जाती है। बिल्डिंग embankments along the river bank and bunds prevent soil erosion, जिससे आपका soil erosion नहीं होने पाएगा, मिट्टी नहीं बह पाएगी, क्योंकि इसके लिए आपको boundary बनाना होगा, wall तैयार करना होगा। Tree are planted in row along the edge of field to protect against wind, ठीक है, इस तरह से खेतों में जो है एक सीध में पेड़ लगा देना चाहिए, plantation कर देना चाहिए जिससे हवाएं जो हैं बहुत तेज़ी से न बह पाएं, खेतों में हवाएं बहुत तेज़ी से इंटर न कर पाएं जिससे जो है आप मृदा अपरदन से बच जाएंगे। ट्री आर प्लांटेड इन रो एलॉन्ग एज ऑफ फील्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विंड, ठीक है, किनारों पे जो है एक रो में एक सीधाई पे पेड़ लगाने चाहिए जिससे विंड की रफ्तार स्लो हो जाएगी और सॉयल कंजर्वेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका सॉयल कंजर्वेशन। इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, आई लर्न्स आपने पढ़ा, आवर अर्थ क्रस्ट इज कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ सॉयल, हमारा अर्थ जो है
वह मिट्टी के एक परत से ढका हुआ है। लोमी सॉयल इज गुड फॉर गार्डन्स, गार्डन्स के लिए लोमी सॉयल जो है अच्छा होता है। सॉयल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके लिए सॉयल महत्वपूर्ण है। द अपर लेयर ऑफ सॉयल इज टॉप सॉयल, सॉयल का जो अपर लेयर होता है उसे टॉप सॉयल कहते हैं। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉयल बाय विंड वाटर एंड अदर एलिमेंट इज कॉल्ड इरोजन। ठीक है, टॉप सॉयल का हवा पानी या फिर दूसरे एलिमेंट्स के द्वारा रिमूव हो जाना, उड़ जाना सॉयल इरोजन कहलाता है। ऑन हिली एरिया सॉयल इरोजन बाय वाटर इज मोर, हिली एरिया में सॉयल इरोजन जो है वाटर के द्वारा अधिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आपने यस चैप्टर में पढ़ा। साइंस इन कंटेंस्ट में अगर देखा जाए, मेनी एंटीबायोटिक दैट स्टैंड एज रेमेडीज फॉर इन्फेक्शन, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिनका इन्फेक्शन के रूप में, ठीक है, बॉडी में इन्फेक्शन होने पर इनका यूज किया जाता है उपचार के रूप में, रेमेडी के रूप में। वी आर ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा मिट्टी से ही तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ये मिट्टी में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही ये एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं, जिनका यूज जो है कई इन्फेक्शंस में रेमेडी के रूप में किया जाता है, दवा के रूप में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसको रिवीजन कर लें, नहीं समझ में कहीं आता है तो एक बार फिर से वीडियो देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग क्वेश्चन फॉर रिव्यू करेंगे। थैंक यू।